मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम बात करने जा रहे हैं सर्वनाम के कुछ उदाहरणों की। पिछले मॉड्यूल में हमने देखा कि सर्वनाम क्या होते हैं, यानी कि संज्ञा की जगह पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वे सर्वनाम होते हैं। हमने सर्वनाम के भेदों की चर्चा की। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। हमने देखा कि निजवाचक सर्वनाम वो होता है जो स्वयं बोलने वाला अपने लिए प्रयोग कर रहा है। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें हमने 3 प्रकार से पढ़ा कि अपने लिए, सामने वाले के लिए या किसी 3 अन्य व्यक्ति के लिए होता है। निजवाचक खुद का होता है। निश्चय अनिश्चयवाचक सर्वनाम जाने, जिसमें निश्चय हो कि वह किसके लिए बात की जा रही है और जिसमें निश्चितता का बोध ना हो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर हमने प्रश्नवाचक सर्वनाम भी देखा, जहाँ पर प्रश्न के द्वारा कौन किसका शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और संबंधवाचक सर्वनाम भी पढ़ा, जिसमें हमने संबंध के द्वारा, यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो और सो, इस प्रकार के शब्दों के द्वारा हमने देखा कि कैसे नाम वाले शब्दों को हम रिप्लेस करते हैं, बदलते हैं। तो ये सारे सर्वनाम के हमने रूप पढ़ लिए, 6 भेद। अब आज हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर हमने आपको कुछ वाक्य लिख दिए हैं। वाक्यों में से हम क्या करेंगे, सर्वनाम शब्द को रेखांकित करेंगे, यानी आइडेंटिफाई करेंगे, और उनके भेद लिखेंगे, यानी पहचानेंगे। तो इस प्रकार इस अभ्यास के द्वारा हम ये कोशिश करेंगे कि सर्वनाम शब्द हमें और उनकी पहचान हमको समझ आए। चलिए, पहला वाक्य है, आज अनुराग से मिलने कोई आया है। अब यहाँ पर आज अनुराग, अनुराग का नाम दे दिया है, हमें वो शब्द ढूंढना है नाम के बदले आया है। आज अनुराग से मिलने कोई आया है, तो ये कोई वर्ड, कोई शब्द किसी नाम की जगह पर प्रयोग किया गया है, इसीलिए सर्वनाम है, ठीक है। अब यहाँ पर ये नहीं पता है कि कौन है, निश्चित नहीं है, तो ये कौन सा हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब बात करते हैं अगले वाक्य की, जैसा करोगे वैसा करोगे। तो जैसा करना है वैसा करना है, तो जैसा और वैसा ये क्या बता रहा है, एक दूसरे के संबंध को दर्शा रहे हैं। तो संबंध दर्शाने वाला सर्वनाम संबंधवाचक। तो यहाँ पर जैसा और वैसा को रेखांकित कर दीजिए और यह हो जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक। क्योंकि इसमें क्या है, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से आप संबंध बता रहे हैं, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में, कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तो संबंधवाचक। तीसरा वाक्य, वह घर मेरे मित्र का है, वो वाला घर मेरे मित्र का है। तो मुझे पता है वो वाला घर मेरे मित्र का है, यानी कि वह शब्द से मैं ये पूरी तरीके से आपको निश्चित तौर पर बता रही हूँ कि वह घर मेरे मित्र का है, मुझे पता है। तो वहाँ निश्चय का बोध हो रहा है, इसलिए उसे आप कहोगे निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक। यानी कि आपको उस बात को कहने में किसी भी प्रकार का संकोच या डाउट, शंका नहीं है, निश्चय, निश्चित वाचक सर्वनाम। अब नेक्स्ट है, उन्होंने मुझसे बात नहीं की। इन्होंने, उन्होंने, तो मैं, तुम और उन्होंने, तो यहाँ पर उन्होंने क्या है, किसी अन्य पुरुष की बात हो रही है, तो यहाँ उन्होंने शब्द पुरुषवाचक का ही एक अंग है। तो आप अन्य, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के शब्द ना लिखकर आप सिर्फ लिखिए पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ हम लिख देंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, नेक्स्ट, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। यहाँ पर मैं हूँ, मैं भी एक सर्वनाम है पुरुषवाचक, लेकिन हम पुरुषवाचक का एक उदाहरण कर चुके हैं, इसलिए हम कोई और दूसरा सर्वनाम ढूंढेंगे। मैं अपना काम स्वयं करूँगा, मैं अपना काम स्वयं करूँगा। तो यहाँ पर अपना और स्वयं शब्द क्या है, सर्वनाम है, कौन से, जो मैं खुद अपने लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि ये हो गए निजवाचक सर्वनाम, जो स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, निज। एंड देन लास्ट वन, गिटार कौन बजा रहा है, राम बजा रहा है, रीना बजा रही है, अमरीन बजा रही है, शिंदु बजा रही है, कौन बजा रहा है, तो कौन किसी नाम की जगह पर है, तो ये हुआ प्रश्न, लेकिन हमें पता नहीं है कौन, तो ये हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक। तो इस प्रकार आपने देखा, कोई यानी अनिश्चयवाचक, जैसा और वैसा संबंधवाचक, वह यानी निश्चयवाचक, उन्होंने यानी कि पुरुषवाचक, अपना और स्वयं से पता चल रहा है निजवाचक, और कौन शब्द से पता चल रहा है कि वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है।
तो इस प्रकार इन शब्दों के द्वारा आपने ये देखा कि हम कैसे सर्वनाम शब्दों को पहचान सकते हैं। तो इस पाठ का मुख्य अध्ययन करते समय आपको सिर्फ प्रवारी के द्वारा उन छह सर्वनाम शब्दों को नाम याद करने हैं और उनकी पहचान के बारे में यानी किसे कहते हैं वो समझ लीजिए। अगर आपको वो चीज़ समझ आ गई कि किसे कहते हैं तो आप आसानी से शब्दों को चुनकर उनके भेद को पहचान सकेंगे। तो आज के मॉड्यूल में बस इतना ही। आगे हम आपसे फिर मिलेंगे अगले अभ्यास के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।